दोस्तों क्या हाल है आप सभी के। यहाँ पे आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं Redmi Note 10 T के कुछ हिडन फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सारे अमेजिंग से हिडन फीचर्स, टॉप फीचर्स कह लो या फिर कह लो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल फीचर्स जो कि हर फोन में होने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे वो फीचर्स छुपा छुपा के रखे हुए हैं जो कि हम आपको स्ट्रेट अवे बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी परचेज करने वाले Redmi Note 10 T तो दोस्तों 100% आपके लिए ये सारे फीचर्स बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं Redmi Note 10 T के हिडन फीचर्स की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फर्स्ट हिडन फीचर के बारे में बात। और दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट हिडन फीचर है उसका नाम मैंने बड़ा ही नया सा दिया है और दोस्तों उसको कहता हूं मैं शेक टू डांस। और दोस्तों शेक टू डांस मैं क्यों बोलता हूं वो अभी आप लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों लेट सपोज आपके जितने भी आइकन्स हैं ये सारे अलाइन नहीं है, ये इधर उधर बिखरे हुए हैं, ठीक है। और अब आप लोग क्या चाहते हैं, अब आप लोग चाहते हैं इन सबको एक लाइन मिलाना। तो जनरली दोस्त क्या करते हो आप लोग इसको उठाते हो और टैप करके ऐसे करके लाइन में लगाते हो। तो दोस्तों इसमें लगता है टाइम बहुत ज्यादा और साथ ही साथ आप मतलब मैनुअल वर्क कर रहे हो। तो दोस्तों मैनुअल वर्क तो हमें कतई पसंद नहीं है। तो अब हम लोग आपको जादू करके दिखाएंगे और शेक टू डांस करके दिखाएंगे। तो दोस्तों शेक टू डांस का मतलब बोले तो ये है कि आपको यहाँ पे टैप करके रखना है। तो दोस्तों टैप करने के बाद ये आइकन्स जो है एडिट मोड में आ जाएंगे। आपको फोन को उठाना है और दोस्तों फोन को उठा के आपको ऐसे तेजी से शेक करना है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जादू हो चुका है और सारे ही आपके आइकन्स जो है वो लाइन में लग चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी ये झटका सा लगा कि ये कैसे हुआ तो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे सेकंड और काफी ज्यादा प्यार किए जाने वाले फीचर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये जो सेकंड फीचर है उसका नाम ही रिंग इंडिकेटर है। तो दोस्तों रिंग के नाम से जैसे कि आप समझ ही गए हैं कि ऊपर आपको एक रिंग दिख रही होगी कैमरा के चारों ओर। तो दोस्तों ये जो आपकी बेसिकली नोच कह लो इसको या फिर कुछ भी कह लो, बट ये जो आपकी रिंग है बेसिकली दोस्तों वो आपको बैटरी इंडिकेट कर रही है। और दोस्तों बैटरी इंडिकेटर काइंड ऑफ थिंग है जो कि आपके कैमरा के चारों ओर नजर आएगा। और दोस्तों इसके कलर सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और दोस्तों जब आप इसको अपने दोस्तों के साथ दिखाओगे तो भाई वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं क्योंकि ऐसा फीचर उनके फोन में होगा ही नहीं। तो दोस्तों इसको लाने के लिए सिंपल सी ट्रिक है वो बता देता हूं। दोस्तों आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से रिंग इंडिकेटर नाम से एक एप्लीकेशन। और दोस्तों उसको डाउनलोड करने के बाद आपको सारी परमिशंस दे देनी है। और दोस्तों सारी परमिशन देने के बाद आपको यहाँ पे रिंग रेडियस को एडजस्ट करना है। और दोस्तों रिंग रेडियस को एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको मूव कराना है ताकि आप लोग इसके रिंग को बिल्कुल कैमरा के ऊपर सेंटर कर पाओ। और दोस्तों सेंटर करने के बाद आप चाहे तो बहुत कुछ और भी कर सकते हैं जैसे कि कलर्स, आप यहाँ पे कलर्स चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों कलर्स चेंज करने के बाद वहां पे ऊपर जो रिंग होगा वो उसी कलर्स में आपका आने लग जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हिडन फीचर की ओर। दोस्तों ये भी बड़ा ही रापचिक सा मसालेदार फीचर है। दोस्तों ये मसालेदार फीचर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो दोस्तों बहुत बेसिक फीचर है बट जनरली आप लोगों को नहीं पता लग पाता कि ये आपके फोन के अंदर है। तो दोस्तों देखो आप लोगों को जाना है यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर। और दोस्तों सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है, होम स्क्रीन पे क्लिक करना है। और दोस्तों होम स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन मैनेज ऐप कैटेगरीज का। दोस्तों ये ऑप्शन करता क्या है बेसिकली, दोस्तों ये ऑप्शन आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन सारी एप्लीकेशंस को कैटेगरीज में डिवाइड कर देगा बेस्ड ऑन कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, फोटोग्राफी, इन सब में कैटेगरी में डिवाइड कर देगा। और दोस्तों आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर कस्टमाइजेशन है। तो दोस्तों ये करने के बाद जैसे कि कल को आपको कोई कम्युनिकेशन की एप्लीकेशन सर्च करनी है तो आप कम्युनिकेशन पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे चौथे और खतरनाक से फीचर की और बात करेंगे। दोस्तों जो चौथा फीचर है वो बेसिकली दोस्तों दुनिया का चौथा निकाल सकता है, वो कैसे बताता हूँ। दोस्तों ऐसा है कि आजकल कैमरा का उपयोग बहुत ज्यादा होता है और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ऐसी मूवमेंट्स आ जाती हैं कि आपको इमीडिएटली कैमरा एप्लीकेशन ऑन करनी पड़ती है बिना फोन को देखे। दोस्तों बिना फोन को देखे आप कैसे कैमरा की एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इस फीचर को एनेबल करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप लोग इसको इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। दोस्तों सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद और दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर। और दोस्तों लॉक स्क्रीन के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है लॉन्च कैमरा का। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डबल प्रेस द वॉल्यूम डाउन बटन टू ओपन द कैमरा व्हेन द स्क्रीन इज लॉक्ड। और दोस्तों आपको स्क्रीन लॉक करके डबल टैप कर लेना है अपने कैमरा को लॉन्च करने के लिए। दोस्तों ऐसे करके आपका जो कैमरा है वो इजिली लॉन्च हो जाएगा। पर दोस्तों आपके जो ये
लॉक है बेसिकली, लॉक हटा होना चाहिए और सिर्फ लॉक स्क्रीन लगी होनी चाहिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हिडन फीचर की ओर, जो कि है दोस्तों बड़ा सा टॉप सा फीचर, और दोस्तों पांचवा हिडन फीचर जो कि है साउंड से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है कि आपके फोन के अंदर काफी सारी एप्लीकेशंस होंगी जो कि साउंड प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब प्ले करता है, ठीक है। अब यूट्यूब का गाना बज रहा है और साथ ही साथ में आप लोग है ना कुछ मिक्सिंग सी करना चाहते हैं, यूट्यूब का गाना भी बज रहा है और साथ में आपने कोई एप्लीकेशन खोली जो कि गाने बजाने से रिलेटेड है, कोई वीडियो है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप सिर्फ इस यूट्यूब के साउंड को कम करना चाहते हैं और बाकी सारी एप्लीकेशन के साउंड को बड़े रहने देना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल आपको ऐसी सेटिंग करनी है तो आपको जाना है दोस्तों साउंड असिस्टेंट के अंदर। दोस्तों सबसे पहले आप चलते हैं साउंड सेटिंग के अंदर और दोस्तों फिर चलेंगे हम लोग साउंड असिस्टेंट के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आप लोग चाहे तो साउंड एंड वाइब्रेशंस पे क्लिक कर सकते हैं और नहीं तो आप ऊपर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे साउंड असिस्टेंट के अंदर आने के बाद आपको यहाँ मिलेगा एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल एप्स। तो दोस्तों आप इसको एनेबल कर दीजिए और उसके बाद देखिए जादू क्या होता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपनी कोई वीडियो चला लेता हूँ और दोस्तों ये फॉर एग्जांपल मैंने ये वीडियो चला दी और दोस्तों इस वीडियो चलाने के बाद मैं यहाँ पे वॉल्यूम कम करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक म्यूजिक का बटन बना हुआ आएगा और दोस्तों आप इस म्यूजिक के बटन पे क्लिक कर सकते हैं और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वॉल्यूम प्लस माइनस करने का ऑप्शन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का। आपकी जो सारी एप्लीकेशन का डाटा है वो आप अलग से यूज कर सकते हैं, बट एक एप्लीकेशन, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अगर आपको म्यूट करके रखना है हमेशा के लिए तो आप उसको म्यूट करके भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पांचवा फीचर। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हिडन फीचर की ओर, जो कि दोस्तों खुद में खुद एक हिडन चीज है दोस्तों, वो है आपकी हिडन एप्स। दोस्तों हिडन एप्स का भी आपको यहाँ पे सेटिंग मिलती है जो कि आप ऐसे पिंच आउट करके एनेबल कर सकते हैं। दोस्तों आपको सिर्फ पिंच आउट करना है और दोस्तों आप लोग हिडन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे अमेज़न हाइड कर रखी है, वैसे आप कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है दोस्तों सेटिंग्स के अंदर और दोस्तों आपको ऊपर लिख लेना है हिडन। और दोस्तों आप अगर ऊपर हिडन लिखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, बट दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है ऐप लॉक। और दोस्तों ऐप लॉक लिखोगे तो आपको यहाँ पे ऐप लॉक की सेटिंग दिखेगी। तो दोस्तों जब आप ऐप लॉक के अंदर जाएंगे आपसे शायद पासवर्ड मांगेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे जा रहे होंगे। आप इसको दोस्तों पासवर्ड में जाके आप अपना पासवर्ड दे दीजिए और दोस्तों ऐप लॉक करने के बाद आप यहाँ पे साइड में देखेंगे यहाँ पे एक हिडन एप्स करके फीचर आपको लिखा हुआ मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं अमेज़न, गूगल पॉडकास्ट, कोई भी एप्लीकेशन जो भी आप चाहते हैं, आपके दोस्त यार दोस्त भाई बहन कोई ना देखे तो भाई उसको उठा के यहाँ पे हाइड कर दो। और दोस्तों दो व्हाट्सएप चलाते हो तो चुपचाप जाके हाइड कर दो। तो दोस्तों आप भी अगर वो दो व्हाट्सएप चलाने वाले बंदों में से एक हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमें भी। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हिडन फीचर की ओर, जो कि दोस्तों है करंट एप्लीकेशन को क्लोज करने का महा शॉर्टकट। तो दोस्तों ये फीचर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों कैसे है? देखो यहाँ पे यूट्यूब खुला है और लेट सपोज कि कोई आपके यहाँ पे वीडियो भी चल रही है और दोस्तों कोई आपके रूम में एंटर कर गया, तो यहाँ पे मैं बीच वाला प्रेस करूंगा बटन और दोस्तों ये फोर्स क्लोज कर देगा यूट्यूब। और दोस्तों जो खासकर बात ये है कि कोई आपकी जैसे कोई वीडियो खुली हुई होगी उस यूट्यूब के अंदर, दोस्तों वो भी बंद हो जाएगी। दोस्तों है ना ये कमाल की ट्रिक। तो दोस्तों इस कमाल की ट्रिक को आप लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो और भी ज्यादा कमाल है। तो दोस्तों बेसिकली ये चैनल शॉर्टकट है। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और लिखना है बटन शॉर्टकट। तो दोस्तों यहाँ पे आप बटन लिखेंगे तो यहाँ पे बटन शॉर्टकट्स करके ऑप्शन आ जाएगा और दोस्तों बटन शॉर्टकट्स के अंदर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज करंट ऐप। और दोस्तों आप इस पर क्लिक करके कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग प्रेस द होम स्क्रीन चूज कर रखा है। दोस्तों आप इसको चूज करके बीच वाले बटन को जब भी दबाएंगे तो दोस्तों वो जो चीज है, जो भी एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगी। और दोस्तों ये एक्चुअली वर्क करती है खासकर उन लोगों के जो कि कुछ ऐसी चीज देख रहे होते हैं जो कि वो अपने दोस्तों को भाई बहनों को नहीं दिखाना चाहते। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की ओर, जो कि दोस्तों आठवां बहुत ही ज्यादा रापचिक हिडन फीचर। दोस्तों आठवां हिडन फीचर, ये फीचर ऐसा है जो कि दोस्तों जनरली हार्डवेयर से रिलेटेड होता है और दोस्तों ये हार्डवेयर से रिलेटेड ऐसे है कि इसका नाम है क्लीन स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, स्पीकर आपका गंदा हो जाता है, पानी चला जाता है, फलाना हो जाता है, ढिकाना हो जाता है, तो दोस्तों कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास Redmi के अंदर एक ऑप्शन मिलता है जो कि है क्लीन स्पीकर का, वो आप उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है सेटिंग में जाके क्लीन स्पीकर और
दोस्तों यहाँ पे क्लियर स्पीकर करके आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, और दोस्तों जैसे ही आप इसको प्ले करेंगे यहाँ पे एक साउंड आएगा, बेसिकली बेस साउंड आएगा जो कि आपके स्पीकर में से जो भी गंद होगा वो निकाल देगा। तो देखिए दोस्तों आप ऐसा कुछ दिखेगा। तो दोस्तों ये जो साउंड है ये तेज होता चला जाएगा और काफी अच्छी तरीके से आपके स्पीकर की क्लीनिंग कर देगा। तो दोस्तों अगर आपका भी स्पीकर रहता है गंदा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट, और ये एक ऐसा फीचर है जो कि दोस्तों हर फोन के अंदर चाहिए होता है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी आज के डेट में YouTube देखता है। और दोस्तों YouTube को चलाते वक्त होता क्या है कि जैसे लेट सपोज कोई YouTube की वीडियो चला दी हमने, और दोस्तों YouTube की वीडियो चलाते वक्त अगर यहाँ पे मेरा बंद हो जाता है तो दोस्तों पीछे से जो म्यूजिक आ रहा होता है उस वीडियो का वो भी बंद हो जाता है। तो दोस्तों खासकर जो लोग म्यूजिक सुनते हैं YouTube के ऊपर उनको ये दिक्कत बिल्कुल समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को भी ये दिक्कत है तो आपके पास अगर Redmi का फोन है तो मेरे पास इस चीज का सॉल्यूशन है। तो दोस्तों सॉल्यूशन के लिए मैं चाहूंगा आप चलें सेटिंग्स के अंदर। दोस्तों सेटिंग्स में जाने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स। तो दोस्तों आपको यहाँ पहला ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो टूल बॉक्स करके, और दोस्तों वीडियो टूल बॉक्स के अंदर आपके पास यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, आपको इसको इनेबल कर लेना है, और दोस्तों यहाँ पे शॉर्टकट्स को इनेबल कर लेना है। दोस्तों इसको इनेबल करने के बाद आपको चलना है वापस यूट्यूब के अंदर, और दोस्तों आपको बजाना है गाना या कोई भी वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चल रही है ये वीडियो, और दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक टूल बॉक्स आ जाएगा जिसमें यहाँ पे ये ऑप्शन है कान बना हुआ है बेसिकली। और दोस्तों इस कान बने हुए ऑप्शन का मतलब ये है कि स्क्रीन बंद भी हो जाएगी तब भी ये म्यूजिक चलता रहेगा। तो दोस्तों अभी भी यहाँ पे वो म्यूजिक चल रहा है जबकि हम लोगों ने स्क्रीन को ऑफ कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपका भी ऐसी कोई दिक्कत है और ऐसी कोई दिक्कत परेशानी से कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो दोस्तों मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों लास्ट और अमेजिंग से Redmi Note 10T के हिडन फीचर की ओर बढ़ते हैं जो कि है दोस्तों ब्लर ऐप प्रीव्यूज। जी हाँ दोस्तों बहुत पुराना फीचर है बट ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि दोस्तों ये प्राइवेसी से रिलेटेड है और हमेशा मैं कहूंगा कि ये हर फोन के अंदर इनेबल होना चाहिए। दोस्तों ये ऐसा है कि कई बार होता है कि आप कुछ व्हाट्सएप पे चैट कर रहे होते हो या कुछ भी कर रहे होते हो और आप चाहे आपने उस स्क्रीन को लॉक कर रखा हो पर होता क्या है कि वो कोई भी बंदा रीसेंट में जाके ये देख सकता है कि चैट कंटेंट क्या है या उसके अंदर कंटेंट क्या है, जैसे कि आप लोग रिंग रिंग में पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत है तो आप उस एप्लीकेशन को रीसेंट मेमोरी में क्लिक करके रखो, आपके सामने कुछ ऐसा मेन्यू आ जाएगा और दोस्तों इस मेन्यू में जाके आपको यहाँ ब्लर ऐप प्रीव्यूज को इनेबल कर लेना है। और दोस्तों वापस जब आप रीसेंट मेमोरीज में जाएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे वो जो ऐप का जो प्रीव्यू था वो नहीं आ रहा और यहाँ पे एक सिक्योरिटी का सिंबल बना हुआ आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे ही फीचर्स Redmi Note 10T के काफी ज्यादा अमेजिंग लगे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्त की वीडियो को कमेंट भी जरूर कीजिएगा। हम लोग दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब